वेलकम बैक राजा हिप हॉप ब्लॉग में सारी बिहार से। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम अभी हाजीपुर जंक्शन पे हैं और अबाद आसाम का इंतज़ार कर रहे हैं। साला इतना लेजी और इतना गंदा ट्रेन है, क्या बताएं। उसका इंतज़ार हम लगभग डेढ़ घंटा से कर रहे हैं। राइट टाइम से चल रहा था और डेढ़ घंटा लेट चलने लगा। तो चलिए अभी चलते हैं। आज दो दो चीज़ एक ही साथ होने वाला है मेरे साथ। आज रानी कुमारी आने वाली है, मेरी सिस्टर, जो कि छुट्टी पे आ रही है। और दूसरा कि हम आज मधुबनी जाने वाले हैं, हम और मेरे एक पार्टनर हैं। तो अभी तो तत्काल हम हाजीपुर भी टाइम लगेगा, वो भी थोड़ा एक घंटा लेट चल रहा है और आधा शाम भी एक डेढ़ घंटा लेट चल रहा है। तो दोनों का टाइमिंग मैच करेगा, तब तक चलिए तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे उसका इंतज़ार करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि अभी ट्रेन आने में 5 से 7 मिनट बचा हुआ है। तो उसका डब्बा के सामने हम रहेंगे और फटाक से चले जाएंगे फिर। तो दोस्तों यह जो भीड़ देख रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, वही भीड़ है। आप अभी सैटरडे को किसी भी ट्रेन में किसी भी दिन देखिएगा तो इतना ही भीड़ चलेगा लगातार बिहार में अभी 3 सितंबर तक। तो अभी देख लीजिए बच्चा लोग कैसे हल्ला कर रहा है कुत्ते बिलाई की तरह। तो दोस्तों बिहार सरकार को स्पेशल ट्रेन चला देनी चाहिए थे, जैसे अभी यूपी में यूपी पुलिस के लिए है। यूपी सरकार ने बस ट्रेन सब फ्री कर रखा है, बिहार सरकार का तो कोई ध्यान ही नहीं। तो अभी दोस्तों देख रहे थे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा, उसका हालत है। ट्रेन में लोग कूच के जाते हैं, भर भर के नहीं, कूच के। तो चलिए जल्दी से चलते हैं घर। तो रानी कुमारी आ गई है, वेलकम टू बिहार। तो चलो मम्मी इंतज़ार कर रही है घर पे। तो हम लोग अभी मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। अब यहाँ देखते हैं कि बुढ़िया में भर भर के लोग चढ़ेंगे यहाँ। तो फाइनली हम लोग मधुबनी जाते जाते रात के 12 तो बज जाएगा। खाना खाने का अभी टाइम नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं है। अभी रात में आएंगे तो एकदम बढ़िया से सेफ साफ करवा के आए हैं। वहाँ मैडम शायद कहीं मिल जाए तो। चलिए एक बने रहे, बहुत दूर चलना है। तो दोस्तों हम पहुंच गए मधुबनी स्टेशन पे। इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, रात का बज रहा है 2 और इतनी बारिश है, इतना बारिश है कि आप एक मिनट छन से नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर भी देख रहे बच्चे लोग। तो दोस्तों मैंने खाना जो लाया था वो सुबह से खाने का टाइम नहीं मिला, खाया नहीं था, तो बहुत ज़ोर से भूख लगा था, खा लिए हैं और बेड का जुगाड़ कर लिए हैं। और देखिए ऐसे ही सोता है लोग, दूसरा कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। तो बेड बिछाना हो गया था, अब सोने जा रहे हैं, बाय बाय। तो देखिए सभी लोग सोने के लिए जगह भी ढूंढ रहे हैं। तो फाइनली इतना शोरगुल है और मॉर्निंग का सभी लोग उठ गए थे क्योंकि फ्रेश व्रेश होना था। तो अभी हम लोग मधुबनी में टहल रहे। स्टेशन से थोड़ी ही दूर आगे चले तो एक नहर मिल गया, जहाँ पर हम लोगों ने खूब मज़े से नहा रहा है। इसकी बहन की मज़े तो खूब मज़े में हम लोग नहा रहे हैं। सारे दोस्त देख रहे हैं, एकदम माहौल चकाचक चकचौंध है, क्या आनंद आ रहा था। कि बच्चा लोग को तो यही खुशी मिलता है कुछ घूमने फिरने खाने नहाने के लिए मिल जाए। एकदम तेल हाथ साबुन रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं हम लोग भाई। बाहर से गाड़ी वाड़ी जा रहा है, इतना आवाज़ भी आ रहा है हम लोग। तो फाइनली हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए हैं। देख रहे एग्ज़ाम सेंटर का व्यवस्था एकदम फ्रेश चकचौंध हो रखा है, सभी लोग इधर उधर। तो चलिए अब विशेष लाइन भी लगने का टाइम हो चुका था कि सब अब लाइन लगेगा। देख रहे हैं लोग छा देख देख कर अपना टाइम को व्यतीत कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी तो टाइम है कुछ चलेंगे। तो फाइनली हम लोग एग्जाम से बाहर आ गए हैं मधुबनी स्टेशन पर। देखिए हमारे वो दोस्त मिल गया है, बोल्टी। क्या बोल्टी, कैसा गया एग्जाम? पेपर लीक हो गया था। कै बजे? 11:30 बजे। तो तू लिखा कि नहीं? लिख से तेरा क्या मतलब? नीतीश बाबू का ध्यान कहाँ है? कहाँ है नीतीश बाबू आप? रक्षाबंधन है, वो ट्रेन चलवाइए जल्दी। विधानसभा के चुनाव लड़ने के फेरा में नीतीश बाबू जल्दी ट्रेन चलवाइए कि राखी बांधने के लिए घर जाए, बांधे जाओ कि बनवा दे। मोबाइल छिनवाएंगे हम लोग, नाड़ में जाएगा मोबाइल आए हमें। राजा हिप्पा है, ट्रेन में चला है बिना टिकट का, कह रहा है कि जमसुराज का अगला बार जनता का सरकार बनाएंगे, इसलिए ट्रेन पर चढ़ा हुआ है। जनता का सरकार के लिए बनना चाहिए, नीतीश कुमार मौका घटाना।
हम आ गए दरभंगा जंक्शन पे। तो चलिए बाबा, अभी हम लोग का ट्रेन तो बहुत टाइम में बचा हुआ, अभी हम लोग को हाजीपुर जाना है, काफी टाइम लगेगा। क्या देखिए चोमू चलिए ट्रेन थोड़ा देर भी रुकता था तो हम और बोल्टी घूमने के लिए निकल जाते। समस्तीपुर का बर्फ लिंग है जो शिव जी का है। कुत्ता लग गया, खाली गाली सुनता है, समझे। राजधानी है, किसी को बैठने नहीं देगा, लेकिन हल्ला तो सब कर रहा है।